आज किसान संगठनों का 12 घंटे का भारत बंद है। 12 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए ये भारत बंद किया गया है। सुबह 6 बजे से शुरू किया गया लेकिन 12 बजे तक इसका असर कम दिखाई दिया। किसानों का भारत बंद, दिल्ली के बॉर्डर पर जमे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर सड़क और रेलवे पटरी पर उतरे हैं किसान। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के बॉर्डर पर जमे किसान। और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत बंद बुलाया गया है लेकिन इसका कोई खासा असर देखने को नहीं मिला है। ये अर्धनग्न होकर इसका विरोध किया गया, तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बंद का असली टारगेट क्या चुनाव है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं। कल से ही पहले फेज के चुनाव का आरंभ हो जाएगा पश्चिम बंगाल में और तमाम राज्यों के साथ ही। उससे पहले 4 महीने पूरे होने पर ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीर। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर किसान इकट्ठा होकर के कृषि कानून का विरोध करते हुए नजर आए। भारत बंद बुलाया गया लेकिन ये काम नहीं कर रहा, ये फेल होता हुआ नजर आ रहा है किसानों का जो प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। किसान विरोध करते हुए बिल्कुल भारत बंद बुला रहे हैं लेकिन बंद का समर्थन कई जगहों पर नहीं किया गया है। कमजोर पड़ रहा है इनका ये प्रदर्शन। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, हिंसा जीवियों का भारत बंद वाला षड्यंत्र सामने आ रहा है। 26 मार्च यानी कि आज प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले 26 जनवरी की तस्वीरें भी लाल किले पर पूरे देश ने देखी किस तरीके से आंदोलन के नाम पर षड्यंत्र रचा गया। और ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर, अमृतसर और सिंघू बॉर्डर, ये तमाम वो जगह है जहां पर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि कानून के खिलाफ। और भारत बंद का भी बुलाया गया है लेकिन इसका असर देखने को नहीं मिला, यानी कि किसान जो अब नए षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं वो सफल होता नजर नहीं आ रहा। तो 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारत बंद की तस्वीर आज देखने को मिली है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी अगर हम विपक्षियों को छोड़ें तो यहां पर किसानों का समर्थन यहां पर नहीं मिला है, विपक्ष की पार्टियों का समर्थन मिलता हुआ नजर आया है किसान आंदोलन को। ये देखिए हम 6 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहानाबाद की तस्वीरें, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके साथ ही आप दरभंगा की तस्वीरें भी देख रहे हैं, नालंदा की तस्वीर आपके सामने है, आरा और मुजफ्फरपुर की तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने। और इस बीच एक और बड़ी खबर, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारियों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे हो चुके, 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद का ऐलान किया और उसके साथ ही आज एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इससे पहले भी आपने देखा होगा राकेश टिकैत के तमाम भड़काऊ बयान सामने आए थे। दिल्ली पुलिस ने हालांकि गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह बंद कर दिया है, किसान 20 सड़क पर बैठकर अपना विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, 4 महीने पूरे होने पर एक बार फिर से भारत बंद का ऐलान किया गया। हालांकि जो असली किसान जो खेतों में काम कर रहे हैं उनका समर्थन इन किसानों को नहीं मिला है। तो देखिए चक्का जाम की स्थिति और अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत बंद का आह्वान किया है और देखिए यहाँ पर किस तरीके से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है भारत बंद की वजह से। हालांकि इसका असर बड़े पैमाने पर देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन 4 महीने कृषि कानून को हो चुके हैं और शुरुआती दौर में हमने देखा था किसानों ने किस हिंसक रूप से विरोध किया था इस कानून का, जो धीरे धीरे कमजोर होता गया क्योंकि राकेश टिकैत ने महापंचायत का सिलसिला शुरू कर दिया। और अब देखिए 4 महीने पूरे होने के बाद एक बार फिर से इस आंदोलन को तेज करने की कोशिश यहां पर की जा रही है लेकिन यह सफल होता नहीं दिख रहा। 12 घंटे का भारत बंद का ऐलान किया है, बंद को देखते हुए प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस वक्त हमारी सहयोगी शालिनी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई है, उनके पास इस वक्त की बड़ी खबर। शालिनी क्या कुछ बड़ी खबर आपके पास? देखिए किसान आंदोलन से जुड़ी हुई ही ये इस वक्त की अहम खबर है। अब आरजेडी भारत बंद का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो भारत बंद का समर्थन आम लोगों से नहीं मिल रहा है और वही दूसरी तरफ अहम खबर ये कि आरजेडी ने भारत बंद का समर्थन कर दिया है। नालंदा में टायर जलाए गए हैं आरजेडी कार्यकर्ताओं की तरफ से, ये अहम खबर। अब बिहार से समर्थन मिल रहा है, आंदोलनकारियों ने भारत बंद के समर्थन में आरजेडी के कार्यकर्ता उतर गए हैं, सड़क पर आगजनी की गई है, टायर जलाया गया। तस्वीरें भी देखिए इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से सड़क पर टायर जलाया जा रहा है और ये आवाजाही को रोकने की, बाधित करने की एक कोशिश है। बड़ी संख्या में आपको आरजेडी कार्यकर्ता चारों तरफ खड़े हुए दिखाई देंगे और बीच में टायर जलता हुआ आपको दिखाई देगा। एक तरफ तो किसान आंदोलन धीमे धीमे खत्म होता जा रहा था, अब उसी खत्म होते हुए आंदोलन में एक जान फूंकने की यह असफल कोशिश किसानों की तरफ से और विपक्ष की तरफ से की जा रही है। ज्यादातर हमने देखा है
आंदोलन का असर हरियाणा और पंजाब तक ही सीमित है। अब देखिए बिहार में किस तरह से आरजेडी के कार्यकर्ता इसे समर्थन देने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, वो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने। बिल्कुल देखिए शालिनी, एक और बड़ी खबर आ रही है बिहार के दरभंगा से, जहां पर लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ट्रेन को रोका गया है। बिहार के दरभंगा में लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने रोकी है ट्रेन। की बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, एक ओर आरजेडी का समर्थन मिल रहा है, दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ट्रेन को रोका गया। ये बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से। तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है, जहां पर विपक्ष का किस तरीके से साथ मिल रहा है किसान आंदोलन के नाम पर। ये एजेंडे की तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हैं जहां पर लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ट्रेन को रोका गया है, रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हर्षा इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हर्षा देखिए, आज 4 महीने पूरे हुए, लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर किस तरीके से एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा है, जिसको विपक्ष का भी समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल देखिए, अगर बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, चाहे गाजीपुर हो, चाहे टीकरी हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, जहां जहां पे प्रदर्शनकारी मौजूद है वहां पर जरूर मुस्तैदी बढ़ाई गई है पुलिस द्वारा, लेकिन इस भारत बंद का जो असर है वो दिल्ली एनसीआर में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। चाहे आप नोएडा की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे गुड़गांव की बात करें, चाहे बहादुरगढ़ की बात करें, तमाम जगहों पर आम जनजीवन वैसे ही चल रहा है, यानी कि यातायात के जो तमाम चीजें हैं, तमाम सुविधाएं वो वैसे ही चल रही है। छात्र संगठन का, व्यापारी एसोसिएशन का, ऑटो यूनियंस का, किसी का भी समर्थन इस भारत बंद को नहीं मिला है। कली कैथ के प्रेसिडेंट प्रवीण खंडेलवाल ने साफ तौर से कह दिया था कि कोई भी भारत बंद को समर्थन नहीं करेगा, सारे बाजार खुले हुए हैं, सिनेमा हॉल खुले हुए हैं, यहाँ तक कि मॉल्स भी खुले हुए हैं, और लोग जैसे रोज की दिनचर्या होती है, जैसे सड़कों पे निकलते हैं वैसे ही कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियों का जरूर इस भारत बंद को पूरा समर्थन मिला है, चाहे हम पंजाब की तस्वीर देखें, चाहे राजस्थान की तस्वीर देखें, चाहे हम अलग अलग राज्यों की तस्वीर देखें, बिहार की तस्वीरें देखें, विपक्षी पार्टियां मैदान में उतरी हुई हैं, लेकिन आम जनता, व्यापारी, ट्रेडर्स, मंडी अधिकारी या मंडी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सब ने इस भारत बंद का समर्थन नहीं किया है। अगर आप तस्वीरें देख सकते हैं नोएडा की, जहां पे अभी भी यातायात चल रहा है, यहां पे पुलिस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर के पास की तस्वीर है, जहां पे यूजुअली पुलिस नजर आती थी, मुस्तैदी होती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। यकीनन इस भारत बंद को दिल्ली एनसीआर में एक तरह से फ्लॉप शो किसानों का कहा जा सकता है, क्योंकि शुरू में जो सेंटिमेंट, जो भावना है किसान आंदोलन के साथ, थोड़ी बहुत भी आम जनता की जुड़ी हुई थी, वो अब कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। अब लोग समझ गए कि राकेश टिकैत सरीखे नेता सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने में लगे हुए हैं। राकेश टिकैत बंगाल जाते हैं, केरला जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, तमाम राज्यों का दौरा करते हैं, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर जो प्रदर्शनकारी अब मौजूद है वो सिर्फ भारतीय किसान यूनियन के प्रदर्शनकारी है, उनमें से एक भी किसान नहीं है जिन्हें की असली किसान कहा जाए। लिहाजा ये संयुक्त किसान मोर्चा का भारत बंद का आह्वान आज पूरी तरह से दिल्ली एनसीआर में फ्लॉप शो साबित हो रहा है। बाजार रोज की तरह आज भी खुले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हर्षा देखिए, राकेश टिकैत की असलियत अब पूरे देश के सामने आ चुकी है। जिन किसानों को वो गाजीपुर बॉर्डर तक लेकर के आए, अब उनका इस साथ छोड़कर के भारत भ्रमण पर इस वक्त वो निकल गए। न्यूज रूम से ब्रेकिंग सेंटर से मेरे साथ इस वक्त रितिका मौजूद है। रितिका का भी हम रुख करते हैं। रितिका, किसानों ने आंदोलन की शुरुआत में ये कहा था कि आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, और अभी ये जो राहगीर है जिन्हें रोका जा रहा है वो भी इन किसानों के ही भाई बंधु है, असली चेहरा इनका सामने आ चुका है। रितिका बिल्कुल देखिए, असली चेहरा लगातार इन किसानों का निकलकर सामने आता रहा है, और इसलिए जी हिंदुस्तान लगातार यही सवाल कर रहा है कि यह किसानों के नाम पर वो आंदोलनजीवी है, वो हिंसाजीवी है, जो कि अपना केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर चुके हैं। किसानों की बात छोड़ वो तमाम मसलों को उठाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, जिसके जरिए व्यक्ति विशेष या फिर एक पार्टी विशेष के खिलाफ हमला बोला जाए। अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उससे साफ जाहिर है कि देखिए, तमाम विपक्षी पार्टियां इस बंद का समर्थन तो कर रही है, लेकिन आम जनता ने अपने आप को किनारा कर लिया है, क्योंकि जिस मसले के साथ इस पूरे आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो मसला पीछे छूट चुका है। अब केवल पॉलिटिकल एजेंडा ही आगे बढ़ाता हुआ ये पूरा का पूरा संगठन दिखाई दे रहा है। अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस भारत बंद का समर्थन वो तमाम विपक्षी पार्टियां करती हुई नजर आ रही है। हर्षा हमारे साथ लगातार मौजूद है। हर्षा, गाजीपुर बॉर्डर की अगर बात की जाए तो यही वो बॉर्डर है जहां से राकेश टिकैत ने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को और जोर देने के लिए वहां से पहला षड्यंत्र रचा, फिर उसके बाद लाल किले पहुंचे, लेकिन अब राज्य दर राज्य दौरा करने के बाद फिर से गाजीपुर बॉर्डर का रुख।
रितिका आपको याद होगा शुरू में राकेश टिकैत कहते थे कि पूरी तरह से गैर राजनीतिक आंदोलन है, विपक्षी पार्टियों का कोई लेना देना नहीं इस आंदोलन से। शुरू में तंबू जब वो मुजफ्फरनगर से निकले थे 27 नवंबर को, तंबू उन्होंने 29 नवंबर को यहीं पर गाजीपुर बॉर्डर पर गाड़ा था और कहा था कि मैं दिन रात शाम यहीं पर गाजीपुर बॉर्डर पर रहूंगा, अपने किसान भाइयों के साथ उनके हक की बात करूंगा। लेकिन धीरे धीरे हमने गाजीपुर बॉर्डर पर तस्वीर बदलती हुई देखी है, हमने बस सलूकी होते हुए देखी है, हमने यहां तक कि राकेश टिकैत का जो राजनीतिक आंदोलन, जो गैर राजनीतिक आंदोलन राजनीतिक कैसे बना है उसकी पूरी पटकथा हमने देखी है, उसका पूरा मोमेंटम हमने देखा है, कैसे संजय राउत पहुंचते हैं, कैसे जयंत चौधरी पहुंचते हैं, कैसे यहाँ पे पंचायतें होती हैं। और अब बंगाल, केरला, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा, सरीखे जितने राज्यों में राकेश टिकैत पहुंचते हैं वहां पे सिर्फ राजनीतिक बात करते हैं, सरकार को वोट ना देने की बात करते हैं, कहीं पर भी किसानों के हित की बात नहीं करते। लिहाजा शुरू में जो भावनाएं, जो सेंटिमेंट आम जनता की या फिर आप ये कहें कि काफी सारे जिलों के किसानों की, एक जमीन से उठे हुए किसानों की जो सेंटिमेंट इनके साथ अटैच थी वो अब नहीं रही है। इसीलिए चाहे पहले के चक्का जाम की तस्वीरें देखी जाए या फिर आज के भारत बंद की तस्वीरें देखी जाए। आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, रितिका का रुख कर लेते हैं। रितिका बड़ी खबर बताएं। बिल्कुल दीपिका, बड़ी खबर यह है कि किसानों और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए भारतीय किसान यूनियन ने अपना संघर्ष जारी कर दिया है। भारत बंद में आम जनता भी साथ है, साथ लड़ेंगे और जीतेंगे, ये राकेश टिकैत का कहना है, क्योंकि राकेश टिकैत लगातार बरगलाने का काम करते रहे और अब देखिए किसानों के हितों की बात फिर से कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब संघर्ष किया जाएगा, भारत बंद में आम जनता भी हमारे साथ है। लेकिन तस्वीरें जो है वो हकीकत बयान कर रही है कि आम जनता ने अपने आप को इस भारत बंद से अलग कर लिया है, केवल वो पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। लेकिन अब राकेश टिकैत एक बार फिर से किसानों के बीच में भड़काने और बरगलाने का काम करते हुए दिख रहे हैं कि आम जनता हमारे साथ है, किसानों के हक के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये पूरा देश जानता है कि अब ये लड़ाई केवल अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हो रही है, क्योंकि अब जब राकेश टिकैत इस बात का जिक्र करते हुए लगातार जब दिखते हैं कि किसानों की बात उठाई जाएगी, लेकिन किसानों का दूर दूर तक जिक्र इस आंदोलन में नहीं होता। बिल्कुल इसका सही कहा आपने कि किसान, आप देख लीजिए किस तरह से इस आंदोलन के नाम पर अब चुनावी एजेंडा चलाया जा रहा है। राकेश टिकैत अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह जाकर के भारत भ्रमण इसी आंदोलन के जरिए वो कर रहे हैं, विपक्ष का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। नजर क्या 2022 में आने वाले विधानसभा चुनाव तो नहीं है? रितेश मेरे सहयोगी पटना से इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि किस तरह का सहयोग आम लोगों का मिल रहा है इस भारत बंद को। रितेश, पटना की क्या तस्वीर है, आम लोगों को क्या परेशान किया जा रहा है क्या? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दो, एक तरफ भारत बंद का ऐलान किया गया है, दूसरी तरफ अगर बात करें तो तेजस्वी यादव ने बिहार बंद का आह्वान किया है। लेकिन दोनों बंद की अगर बात करें तो किसी का असर पटना में तो एकदम नहीं देखने को मिल रहा है। भारत बंद की बात करें भारत बंद की अगर बात करें तो एक बार दीनानाथ हो जाए कहूंगा दिखाएं, भारत बंद की बात करें तो यहाँ पर दावा किया गया था, जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने बहुत लंबे चौड़े दावे किए थे कि पूरे भारत में इस बंद का व्यापक असर होगा, लेकिन क्योंकि विपक्ष को भी इसमें शामिल किया गया था, पटना में इस बंद का कोई असर नहीं देखने को मिला। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने बंद का ऐलान किया है जी शालिनी की, बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन कोऑर्डिनेशन जो दिखनी चाहिए थी नेताओं की वो कोऑर्डिनेशन नहीं दिख पा रहा है। माले के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आरजेडी के नेताओं को यहाँ पर होना चाहिए था, कांग्रेस के नेताओं को होना चाहिए था, कोई नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ अगर भारत बंद की बात करें तो दावा किया जाता है कि किसानों का समर्थन मिलेगा, आम जनता का समर्थन मिलेगा। किसानों और जनता की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर किसान संगठन है बिहार के, वो भी नहीं पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिन राजनीतिक दलों को कहा गया था कि वो इस बंद को समर्थन करेंगे, निश्चित तौर पर देखिए जो किसानों की बात कही थी, किसान इसको समर्थन देंगे, किसानों का समर्थन तो नहीं मिल रहा है। लेकिन विपक्ष की बात करें तो जाहिर है कि यहाँ पर आरजेडी की तरफ से बिहार बंद का ऐलान कर दिया गया, किसानों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया था। लेकिन पटना से तस्वीरें हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे थे, वहां पर कोई भी असर ऐसा नजर नहीं आ रहा है जहां पर बहुत बड़ा लोगों का हुजूम हो। जाहिर है कि विपक्ष में जो पार्टियां हैं, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे आरजेडी हो, वो जरूर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं।
और चलिए एक बार फिर से हर्षा का रुख कर लेते हैं। हर्षा, देखिए एक जो नई रणनीति के साथ किसान एक बार फिर से इस कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन करने पर उतरे थे, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे अब, क्योंकि देश की जनता समझ चुकी है। हर्षा, देखिए बिल्कुल पूरी देश की जनता ने किसान आंदोलन को शुरू से देखा है। किसान आंदोलन कैसे बढ़ा, सिंघू पे, टिकरी पे क्या हालात बने, लाल किले की हिंसा के बाद जो ट्रैक्टर रैली हुए, जो तमाम चीजें हुए आम जनता ने शुरू से देखी है। और देखिए जिस तरह से लाल किला हिंसा के बाद जिस तरह से राकेश टिकैत का मोमेंटम बढ़ा, जिस तरह से पूरा आंदोलन राजनीतिक हुआ, उससे एक बात तो साफ हो गई कि राकेश टिकैत को किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। और रही बात अन्य राजनीतिक पार्टियों की, जो कि इस पूरे प्रदर्शन को हवा दे रही है, भारत बंद को हवा दे रही है, चाहे आरजेडी की करें जो कि बिहार चुनाव में अपनी साख खो चुकी है, चाहे वाम दल की बात करें और वो संगठनों की बात करें, छात्र संगठनों की जो कि लेफ्ट समर्थित छात्र संगठन है, इनके अलावा और कोई नहीं है जो भारत बंद में किसानों के साथ है। लिहाजा लंबे समय से राजनीतिक पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं था जिससे कि बढ़ा जाए किसान आंदोलन। एक सटीक मुद्दा मिला है दोबारा से जनता में अपनी छवि बनाने की, अपनी साख मजबूत करने की, इसीलिए तमाम राजनीतिक दल अब किसान आंदोलन को एक एजेंडे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आम जनता ये बात भली भांति समझ गई। शायद यही कारण है कि चाहे मंडियों की बात करें, चाहे हम आम जनजीवन की बात करें, सुबह से यातायात की स्थिति देखें या फिर हम सारे बॉर्डर्स देखें, चाहे NH9 और NH24 भी आप देख लें, इन सबको बाधित करने की कोशिश किसान नेताओं के द्वारा सुबह से की गई। लेकिन राकेश टिकैत खुद अपने तंबू, जहां पर तंबू गाड़ा था गाजीपुर बॉर्डर, वहां पे खुद ही मौजूद नहीं थे। बॉर्डर से अब ये तंबू उखड़ चुके हैं। हर्षा, ये तस्वीरें बयां कर रही है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। पटना से रितेश मेरे सहयोगी मौजूद है। रितेश, जब आम लोगों को इस बंद से दिक्कत हो रही है तो फिर कैसे माना जाए कि आप किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए यहां पर भारत बंद आपने बुलाया है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि लगातार कोई भी बंद हो उसमें कहा जाता है कि ये आम जनता के लिए बंद है, ये किसानों के समर्थन में हम कर रहे हैं। लेकिन सवाल इसलिए उठ जाता है कि भारत बंद आप कर रहे हैं, किसानों की बात आप कर रहे हैं, जब किसानों का ही आपको समर्थन नहीं मिल रहा। ये पटना का डाक बंगला चौराहा, एक बार दीन राजा जी को बोलूंगा दिखाएं, ये पटना का डाक बंगला चौराहा है। बिल्कुल रितेश, आपके पास लौटेंगे। तस्वीरें आप बिहार की देख रहे हैं, पटना से, जहां पर देखिए किसानों का समर्थन इस आंदोलन को या फिर भारत बंद को या बिहार बंद को नहीं मिल रहा है। तो देखिए ये बिहार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर टायर जलाकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, भारत बंद बुलाया गया है और अलग अलग जगहों पर एक बार फिर से कृषि कानून के विरोध में किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है उसकी तस्वीरें जी हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी किस तरीके से माहौल खराब हुआ था वो देश ने देखा था, और राकेश टिकैत लगातार घूम करके महापंचायत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने साथ छोड़ दिया था उन तमाम किसानों का। और तपन इस वक्त अमृतसर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तपन, अमृतसर में इस भारत बंद की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, सुबह से जिस तरह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पूर्ण रूप से बंद है, पूरा सफलता मिली है और आज पूरा अमृतसर चारों तरफ से जो है किसानों ने जो हुआ है वहाँ बैठे हुए हैं सड़कों पर, हाईवे बंद किए हुए हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा यहाँ का हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है इस चौक को, लॉरेंस रोड के, और सभी दुकानें जो हैं वो पूर्ण रूप से बंद है और आवाज़ाही भी काफ़ी कम है, नहीं तो यहाँ पर गाड़ियों की जो लंबी कतारें जो हैं वो नज़र आती है। और आज पूर्ण रूप से जो बंद है और किसान भी जो है गाड़ियों में अनाउंसमेंट करके जो लोगों का समर्थन जो है वो मांग रहे हैं, चाहे यहाँ का हाल बाजार हो, श्री दरबार साहब जो है उसके आसपास का इलाका हो, चाहे ये पॉश एरिया हो, रंजीत एवेन्यू हो, चियाटा हो, जो यहाँ के नामी जो जगहें हैं वहाँ सारी पूर्ण रूप से आज बंद है। कोई भी दुकान जो है वो, कोई भी व्यापार आज नहीं खुला है, सड़कें बिल्कुल सुनसान है। लेकिन किसानों की ओर से जो आवाज आई है उसमें कोई खलल आम लोगों के लिए नहीं डाला जा रहा। जी बिल्कुल तपन, देखिए तस्वीरें साफ तौर पर ये बता रही हैं कि किस तरीके से किसान आंदोलन के नाम पर एजेंडा चलाया जा रहा है, इसका समर्थन नहीं मिल रहा है, आम जनता का भी नहीं मिल रहा है और किसानों का भी नहीं मिल रहा है। बहुत धन्यवाद अपन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार हमारे साथ शालिनी और रितिका बनी रहेंगी। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द।